स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछले वीडियो में हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था। And the first part of speech mentioned in those are, one is noun. And I told you that time also कि हिंदी में हम noun किसे कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। Noun is a name of place, person or thing. अब हम यहाँ ये discuss करेंगे कि noun कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो नाउन आर 5 डिफरेंट काइंड्स। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन। नाउ लेट अस कम टू प्रॉपर नाउन। नाउ व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर, एज जेम्स, गेंगीज, ए रिवर, लखनऊ, ए सिटी और इंडिया, ए कंट्री। तो यहाँ पे जेम्स, गेंगीज, लखनऊ और इंडिया, ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। आपका और मेरा नाम, ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। आपके कॉलेज का नाम, आपके स्कूल का नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। तो जो पर्टिकुलर जो चीज़ होती है, व्यक्ति होता है, जगह होती है, उनके लिए हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और रिमेम्बर, दे ऑलवेज कमेंस विद ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कमेंस मीन्स बिगिन, स्टार्ट, ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। जैसे कि जेम्स, गेंगीज, जी, लखनऊ, इंडिया, आपका और मेरा नाम, ये सब कैपिटल से शुरू होते हैं। तो रिमेम्बर, नेवर फॉरगेट टू राइट योर नेम विद कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग। नाउ कमिंग टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है डिनोट्स नो वन पर्सन और ए थिंग। जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि जेम्स, लखनऊ, इंडिया, ओके, बट इज कॉमन टू एनी और एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, जो कि सभी में कॉमन होती है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि मैन, तो जेम्स मैन था, लेकिन वो जेम्स लिखा था हमने, तो वो था आपका प्रॉपर नाउन, और ये मैन है तो ये है कॉमन नाउन। बुक, अगर गीता बोलेंगे तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन बुक एक कॉमन नाउन है। इंडिया बोलेंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, अदरवाइज इट इज कॉमन नाउन। थस मैन डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर मैन सच एज जेम्स, बट कैन बी यूज्ड फॉर एनी एंड एवरी मैन। किसी भी या हर व्यक्ति के लिए वो काम में लिया जा सकता है। अब जैसे कि रिवर, जेम्स जो है या राम जो है, रहीम जो है, ये जो नाम है ये पर्टिकुलर मैन हो गए, लेकिन केवल जो मैन है वो किसी के लिए भी काम में लिया जा सकता है। उसी तरीके से जो रिवर है ये किसी पर्टिकुलर रिवर के बारे में नहीं है, तो ये कॉमन है। अदरवाइज अगर हम गंगेस बोल देंगे, यमुना बोल देंगे, चंबल, कावेरी बोलेंगे, तो ये पर्टिकुलर नाउन हो जाएगा, बट कैन बी यूज फॉर एनी एंड एवरी रिवर। Country does not point out any particular country such as India, but can be used for any country. तो country, man, river, ये सब जो हैं किसी भी उसके लिए काम में लिए जा सकते हैं, अगर कि वो proper noun नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि any person, any country, if it is not
यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन और ए प्लेस और ए थिंग, अदरवाइज इट मीन्स इट इज ए कॉमन नाउन. रिमेंबर वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रॉपर नाउन बिकम्स ए कॉमन नाउन, कि वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है कब? व्हेन इट डिनोट्स ए क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स एंड इज यूज्ड इन ए डिस्क्रिप्टिव सेंस. जब हम उस प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन बना देते हैं, कॉमन नाउन के हिसाब से यूज में लेते हैं, तो वो भी कॉमन नाउन बनता है. कैसे? देखिए, ही इज द न्यूटन ऑफ द एज, ही इज द भगत सिंह ऑफ अवर टाइम. तो जब हम कह रहे हैं कि वो न्यूटन है हमारे टाइम का, तो इसका मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमर है. ठीक है, वो अगर हम ये कहेंगे कि ही इज द भगत सिंह ऑफ अवर एज, मतलब क्या हुआ? कि वो बहुत बोल्ड है. देखिए, एक चीज आप देखिए कि प्रॉपर नाउन के पहले, जैसे कोई नाम होता है ना, उसके पहले हम द नहीं लगाते हैं. न्यूटन हुआ, राम हुआ, जेम्स हुआ, लेकिन यहाँ हमने जो है न्यूटन जो नाम है उसके पहले हमने द लगाया, तो उसको हमने कॉमन नाउन बनाते हुए एक एस्ट्रोनॉमर बना दिया, ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर. और या ही इज द भगत सिंह ऑफ अवर एज, या फिर हम बोलें कि ही इज एनी फेमस पर्सन, यू कैन से ही इज द टैगोर ऑफ अवर एज, ही इज द विवेकानंद ऑफ अवर एज. कहने का मतलब है कि वेरी लिटरेरी पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज द अब्दुल कलाम आजाद ऑफ अवर एज, मीन्स वेरी ऑनेस्ट बट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. अगर अब्दुल कलाम आजाद का हम नाम लेते हैं, तो उनका मतलब क्या हुआ? अब्दुल कलाम आजाद इज नोन फॉर इज ऑनेस्टी, फॉर इज सिंप्लिसिटी एंड फॉर इज इंटेलिजेंसी. तो अगर हम ये कहते हैं कि ही इज द अब्दुल कलाम आजाद ओवर एज, इसका मतलब ये है कि वह बहुत ही एक सिंपल, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट आदमी है. तो इस तरीके से एक प्रॉपर नाउन भी जो है कॉमन नाउन बन जाता है. अब कमिंग टू कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? समूह में संज्ञा, कोई ग्रुप होता है और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, एक ग्रुप के रूप में काम में लेते हैं, उनको हम जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, देर मे बी मैनी शीप इन ए फील्ड बट ओनली वन फ्लॉक. बहुत सारी शीप की जगह हम एक फ्लॉक वर्ड जो है काम में ले सकते हैं. फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड. तो शीप तो क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन और ये इट मीन स्टैंड फॉर एनी और एवरी शीप, लेकिन फ्लॉक क्या है? फ्लॉक जो है कलेक्टिव नाउन है. क्यों? क्योंकि इट स्टैंड फॉर ऑल द शीप एट वंस, पूरा ग्रुप है भेड़ों का, तो ये कहलाएगा फ्लॉक एंड नॉट फॉर एनी वन शीप टेकन सेपरेटली. ये और आप ध्यान रखिए एक चीज कि कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन जो है वो भी कॉमन नाउन की तरह ही होता है. मतलब मैन है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन पीपल है तो पीपल क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैन. ओके, ये जो टर्म है जो डिफरेंट फ्लॉक्स के लिए रहती है, तो ये प्लूरल हो गया. ठीक है, तो क्लास जो है फॉर मेनी क्लासेस के लिए हो सकता है. इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये कॉमन नाउन का कलेक्टिव जो हो जाता है, जब हम कॉमन नाउन को कलेक्टिवली जब हम काम में लेते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं उसके लिए, तो वो कहलाता है, समूह में बोलते हैं तो वही कॉमन नाउन को जब हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन, जैसे कि क्लास. नाउ नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड, ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन ए कलेक्टिव नाउन एंड ए नाइन ऑफ मल्टीट्यूड. अभी इसी कलेक्टिव नाउन की एक सब कैटेगरी है. क्या है वो? नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड. अब डिफरेंस देखिए आप, एक कलेक्टिव नाउन डिनोट्स वन अनडिवाइडेड होल. ओके, हेंस द वर्ब फॉलोइंग इज सिंगुलर. हेंस द वर्ब फॉलोइंग इज ए सिंगुलर, जैसे कि
ए जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ कि एक जूरी में 12 लोग होते हैं, लेकिन यही जो जूरी है ये मल्टीट्यूड नाउन नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड बन जाती कब, व्हेन इट डिनोट्स द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। हेंस द वर्ब इज प्लूरल ऑल्दो द नाउन इज सिंगुलर। कैसे? द जूरी, अब यहां पे जूरी का मतलब क्या है, द मैन ऑन द जूरी। यहां पे जूरी क्या थी, ए जूरी का मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, लेकिन यहाँ पे जूरी का क्या मतलब है, द मैन ऑन द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो यहाँ हम इसको मल्टीट्यूड नाउन के रूप में काम में ले रहे हैं, और यहाँ ये कलेक्टिव नाउन के रूप में काम आ रहा है। इन नाउन ऑफ मटेरियल, ओके। अब हमारी अगला नाउन है, द नाउन ऑफ मटेरियल डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस, कि किस चीज से, किस मैटर या सब्सटेंस से वो चीज बनी है। थस शीप इज ए कॉमन नाउन बट मटन इज ए मटेरियल नाउन। कैसे? शीप इज ए कॉमन नाउन एंड मटन इज ए मटेरियल नाउन। मटन क्या हो गया, फ्लैश हो गया शीप का, ओके। तो ये कहलाएगा मटेरियल नाउन। वैसे ही देखिए आप द सेम वर्ड, अब ये ध्यान रखिए आप कि वही वर्ड यहाँ पे तो शीप और मटन अलग अलग काम में लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वही शब्द मेटेरियल नाउन भी बन जाता है और वही वर्ड कॉमन नाउन भी बन जाता है। कैसे? फिश लिव इन वॉटर। तो इधर ये क्या है, इंडिविजुअल फिश है, ओके। तो इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द नाउन डिनोट्स इंडिविजुअल फिश और फिशेस एंड इज देयर फॉर ए कॉमन नाउन। एंड इन द सेकेंड लाइन सेंटेंस इट डिनोट्स द मैटर। एक्चुअली मैटर का मतलब कि जिससे कि वो चीज बनी हुई होती है, तो ऑफ विच द बॉडीज ऑफ फिश आर मेड। तो इसलिए देयर फॉर इट इज ए मेटीरियल नाउन। तो ये जो फिश है सेकेंड सेंटेंस में, ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे हम फिश के मटेरियल का, फिश के मैटर का, बॉडीज ऑफ फिश की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फिश इन इटसेल्फ की बात कर रहे हैं। तो वन इज कॉमन नाउन एंड दिस इज द मटेरियल नाउन, क्योंकि हम यहाँ पे मैटर या सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैटर या सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये काफी इंपॉर्टेंट नाउन है, फाइन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके बारे में बात करता है, ये ध्यान रखिए आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन टॉक्स अबाउट क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। इन चीजों के बारे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात करता है। क्वालिटी क्या हुई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, क्लेवरनेस, हाइट, ह्यूमिलिटी, रॉगरी, कलर। ये सब क्या है आपका, ये सब है आपके क्वालिटी। देन स्टेट क्या हुआ, स्थिति, पावर्टी, मैनहुड, बॉन्डेज, प्लेजर, यूथ, गरीबी, ये सब जो चीजें हैं ये एक स्थिति बताती है आपकी। तो ये कहलाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन वो कैसे, लाफ्टर, मूवमेंट, आंदोलन, ठीक है, फ्लाइट, उड़ान, चॉइस, रिवेंज, प्रतिशोध, बदला। तो ये सब, ये जो चीजें हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये बताती हैं कि दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्या है, समथिंग लिटिल बिट थोड़ा अलग हटके है, कि अभी तक जो हमने जो डिस्क्राइब किए थे नाउन्स, ओके, दे ऑल आर रिलेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस।
हमने कॉमन नाउन डिस्कस किया था, हमने फिर प्रॉपर नाउन डिस्कस किया, फिर हमने कलेक्टिव नाउन डिस्कस किया, मटेरियल नाउन डिस्कस किया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सेंसेस के को अफेक्ट करती हैं। सेंसेस क्या हुए, इंद्रियां। कौन सी इंद्रियों को ये अफेक्ट करता है, सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट। ये जो फाइव फाइव जो सेंसेस हैं ये इनको अफेक्ट करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सभी चीजें जो हैं, ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव, मटेरियल, ये जो फोर काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं ये सब जो है सेंसेस के द्वारा देखे जाते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये रिलेट्स टू क्वालिटीज ओनली। ठीक है, दे इट रिलेट्स टू क्वालिटी और स्टेट, और ये सब जो चीजें हैं दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओके, विच आर थॉट ऑफ अपार्ट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट ऑफ। तो ये जो क्वालिटी है, स्टेट है, जैसे क्लेवरनेस है, हाई पावर्टी है, मैनहुड है, लाफ्टर है, चॉइस है, रिवेंज है, इनको क्या है, फिजिकली जो है हम नहीं देख सकते, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ओके, टिल हियर ओनली। नाउ आई विल कंटिन्यू मोर अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।